जाना के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रीमी ब्रोकली। उसके लिए चाहिए हमें ब्रोकली, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है, और 1 कप लिया है कैश्यू नट्स जिसको मैंने गर्म पानी में ऑलरेडी भिगो के रखा है, और लिया है क्रीम 1 कप, लिया है हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को क्रश करके रखा है मैंने, एंड सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लिया है कसूरी मेथी, एंड लेमन जूस लिया है 1 टीस्पून, बटर लिया है, और ओनियन को फाइनली चॉप करके रखा है। बहुत आंसू आते हैं भाई ओनियन चॉप करने में, सो फाइनली चॉप करके रखा है इसको ताकि ये बिल्कुल से मिक्स हो जाए हमारी ब्रोकली के साथ। अब मैं एक पैन में बटर को मेल्ट कर रही हूँ, और इसमें मैं ऐड करूँगी, थोड़ा मेल्ट हो जाए बटर के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ओनियन जो मैंने चॉप करके रखा था, और इसको मैं फ्राई करूँगी। का पिंक होने लगा है, और ब्रोकली एक्चुअली बहुत हेल्दी होता है, ग्रीन वेजिटेबल में तो आता ही है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्सचर इसका अलग सा होता है, तो सब लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस टाइप से अगर ब्रोकली को बनाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्ट लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे 5 स्टार होटल का कोई हम खा रहे हो सब्जी ब्रोकली की बनी हुई, तो ये आप इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत टेस्ट लगेगा। देखिए अब ओनियन पिंक हो गया है, अब मैं ऐड करूँगी ब्रोकली को जो मैंने ऑलरेडी वॉश करके और कट करके रखा था, चॉप किया था फैमिली, एक पीस बड़ा सा दिख रहा है मुझे वो रह गया है शायद, लेकिन वो मिक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो अब मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी इसमें, और मैं ऐड कर दिया मैंने वही चॉप करके रखा था लहसुन अदरक, चॉप नहीं एक्चुअली क्रश करके रखा था इसको, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैं इसमें लाल मिर्ची इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि ये क्रीमी है और वाइट टेक्सचर में होगा, ग्रीन एंड वाइट में, इसलिए मैं इसमें रेड मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिए, इसमें थोड़ा सा क्रीम भी इसमें मिक्स होगा, काजू का पेस्ट भी होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्ट ऐड करना है ताकि उन सब में सॉल्ट का टेस्ट आ जाए। अब मैं इसको ढक के रख थोड़ी देर के लिए पकने रख दूंगी ताकि ब्रोकली बिल्कुल नरम हो जाए, खाने लायक हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगी। इस बीच में चलाते रहना है इसको, काजू का पेस्ट जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू के पेस्ट से इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, और ये आप खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, बिल्कुल अलग सा टेस्ट निकल जाएगा ब्रोकली। आप जैसे भी बनाते हो एक बार इस टाइप से बना कर देखिए, बहुत टेस्टी लगने वाला है, बहुत मज़ेदार बनने वाली है सब्जी, आप इस तरह से बना के देखिए। काजू के पेस्ट को भी थोड़ा सा हम भूनेंगे, ढक के भूनेंगे ताकि ये ब्रोकली और काजू का टेक्सचर जो है दोनों मिक्स हो जाए बिल्कुल, और इससे काजू का खट्टापन भी चला जाएगा। अब ये देखिए टेक्सचर मिक्स होने लगा है, देख के पता लग रहा है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस और कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसको सबको एक साथ टेस्ट मिक्स हो जाने के लिए थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा पकने देंगे, कसूरी मेथी भी ऐड कर देना, थोड़ा पकने देंगे इसको, और बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं। देखिए बहुत जल्दी ये सब्जी बनने वाली है और बहुत ही अलग सा टेस्ट है इसका।
करना और घर में हर कोई वाह वाह कहेगा। आप एक बार इसको बना के ट्राई करके देखिए मेरे कहने के अनुसार। और मैं इसको जब भी ब्रोकोली बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप इसको गोभी के साथ, फूल गोभी के साथ भी ऐसी सब्जी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं आप फूल गोभी। और ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई। अब मैं इसको सर्व करने के लिए ले जा रही हूँ। एक बाउल में मैं इसको निकाल रही हूँ। गरम गरम सब्जी, इसको साथ आप रुमाली खाइए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तवा रोटी भी अच्छी लगती है, पर रोटी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रुमाली के साथ बहुत बेस्ट टेस्ट आता है, मुझे रुमाली के साथ बहुत पसंद है। मैं रुमाली ही इसके साथ प्रेफर करती हूँ। अब इसमें मैं हरा धनिया थोड़ा सा छिड़क दूँगी, गार्निशिंग के लिए भी और फ्लेवर के लिए भी, टेस्ट के लिए भी अच्छा लगता है हरा धनिया।